नारी सुरक्षा को लेकर भले ही शासन प्रशासन की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन कुछ दबंगों की दबंगई का कहर जारी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ लोग महिला पर अत्याचार कर रहे हैं, जिसके साथ जमकर मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है मामला संभल जिले के धनारी क्षेत्र का है, जहां एक महिला को उसके ही परिवार वाले हाथ पकड़कर जमकर पीटते नजर आ रहे हैं। मेडिकल इलाज कराने को भटकती नजर आई महिला एसपी दफ्तर पहुंची, जहां एसपी के आदेश अनुसार मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। पीड़ित महिला ने बताया कि मेरे देवर जेठ समेत कई लोगों ने मुझे बुरी तरीके से पीटा। वही महिला का कहना कि चुनावी रंजिश को लेकर प्रधान भी उनका साथ दे रहा है और मुझ पर जुल्म और अत्याचार करने का बढ़ावा दे रहा है। आपको बता दें कि महिला धनारी क्षेत्र के गांव दिनोरा की रहने वाली, जिसका पति कहीं बाहर मेहनत मजदूरी करता है। महिला अपने गांव में ही रहती है, जिसको लेकर उसके ही परिवार वाले कुछ दबंग व्यक्ति आए दिन उसके साथ मारपीट करते रहते हैं। बता दें महिला गुन्नौर सीएससी में अपना मेडिकल कराने आई, जिसको लेकर गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने बताया कि महिला 24 घंटे बाद इलाज के लिए आई है, जिसको गंभीर चोटें आई हैं, जिसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। कौन सा गांव है? दिनोरा। क्या बात हुई, ये चोट आपके कैसे लगी है, हाथ पैरों में, ये बताइए। ये चोट तीसरा को मारा है मेरे ससुरों ने, जेठ है एक समीम नाम का, एक रजिया में देवर है, एक अति का बानो सास है, और वो अति चचेरा देवर है, उसकी बहू सनवानो है, और मेरे जेठ की लौंडिया एक समीम की रुखसाना नाम की। तो ये मारपीट आपके साथ कब हुई? ये कल शाम हुई 6:30 बजे। अब लगभग 24 घंटे हो चुके हैं। हाँ, तब थाने गए तो वो मार कूट करके बैठ के नीचे घुस गए, रात तो मारा, बाहर खींच के मारा, फिर हमें तो सड़क पर डाले आए, खींच के हमारे गेट के से ही मार कर डाले आए, वो गाड़ी से पहले हाथ थाने आ गए, उन्होंने तैयारी दे दी, फिर हमारी तैयारी ले दी। तो मेडिकल को 24 घंटे बाद भेजा पुलिस ने? फैसला कराने के लिए। तो आज मेडिकल को भेजा है? अब तो दूसरी शाम हो गई, दूसरे दिन की शाम हो गई, पूरी रात हो गई और पूरा दिन निकल गया। जो आपके परिवार वाले क्यों मारते हैं आपको? तीसरा का मारा है, ना क्यों मारते हैं, वजह क्या है इसकी? वजह कुछ ना है, क्या वजह, वो तो लड़ाई कर रहे हैं सब जने, वो तीन एक जगह हैं, हम तो ये एक जगह रह रहे हैं, वो तेरे चचेरे सब एक जगह रह रहे हैं, हम दो जने एक जगह रह रहे हैं। और शुरू तो हुआ वहाँ से कोर्ट भरे थे पूरे खानदान ने, पूरी गली वालों ने दिए मौजूदा प्रधान को, और मैंने दिए अलग, तो जब से विरोध है ना बहुत प्रधान के इलेक्शन, हम मौजूदा प्रधान है तो वो उनके संग है, जब मारते हैं तो पहले आ जाता है प्रधान, भी मारपीट करता है पहले आ जाए, वो मौके पर खड़ा रहे प्रधान, प्रधान मौजूद। डॉक्टर साहब, जैसे थाना धनारी क्षेत्र के गांव दिनोरा से एक महिला मारपीट में घायल हुई है, जिनका आपने मेडिकल किया है, क्या जानकारी है? एक महिला जिसका नाम छोटी, गांव दिनोरा थाना धनारी से आना हुआ, काफी गंभीर हालत में लाई गई, उसकी मैंने डॉक्टरी परीक्षण करने के उपरांत उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल संभल के लिए रेफर कर दिया, क्योंकि उसके संग जो मारपीट की घटना हुई है वो काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं, उन चोटों की गंभीरता को देखते हुए मैंने उसको एक्सरे भी लिखा के लिए और अच्छे उपचार के लिए जिला अस्पताल संभल भेज। जैसा उस महिला ने बताया, जानकारी में यह आया है कि कल मारपीट हुई थी और पुलिस ने जो है 24 घंटे के बाद मेडिकल कराने भेजा है। हाँ, जो मेरे संज्ञान में आया उस महिला के पूछने के बाद कि कल शाम की घटना है और पुलिस ने अब भेजा है, तो ये तो एक गंभीर विषय है कि क्योंकि गंभीर मरीज़ को तुरंत ही इलाज के लिए और उसकी डॉक्टर के लिए भेज देना चाहिए।